मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं जाऊंगी नहाने के लिए, नहा के आती हूँ। तब तक मोनिका कुछ कर रही है, कुछ काम कर रही है, तो उसका काम फिनिश हो जाएगा, फिर वो नहा के आ जाएगी, फिर हम लोग थोड़ी पूजा कर लेंगे, क्योंकि सुबह भी करना जरूरी होता है ना। तो हम लोग पूजा वूजा करके अपना जो डे है उससे शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो चलो पहले नहा के ही आ जाती हूँ ना, ताकि थोड़ी सुस्ती उड़ जाए। तो मैं नहा के तो आ गई, अब मैं बत्तियां बना रही हूँ आरती के लिए, बातियां बना रही हूँ, और अब करेंगे पूजा। लड्डू को मैंने नीला दिया है, लड्डू नहा धो के रेडी हैं। मुन्ना मंदिर में से दिया देना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की मंदिर की मंदिर माता की मंदिर की मंदिर 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 गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो चलो पूजा वूजा तो हो गई, अब खाने की तैयारी करते हैं। खाना बनाना बाकी है, और ऑलमोस्ट काम तो ख़त्म हो चुका है, बस खाना बनाना बाकी है। तो मैं बना देती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना। सीरियसली यार, सबको अपने घर पे गणपति लाने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, और घर में शांति रहती है, मन को शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है सच्ची में। और मैं पिछले 2 साल से ला रही हूँ, दूसरा साल अब चालू है। मम्मी के घर पे तो हमेशा लाते हैं, मेरे मम्मी के घर पे तो वहाँ के भी बहुत सुंदर लेके आए हैं मम्मी गणपति। तो अगर ऐसा होगा मम्मी से बोलूँगी तो वहाँ के गणपति के भी दर्शन आपको मैं करा दूंगी। तो वहाँ तो हम लोग हर साल लाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है। लास्ट ईयर भी आपने देखा था मैं लेके आई थी गजानन जी को घर पे, और इस बार भी लेके आई हूँ, क्योंकि ऐसे तो हम लोग रोज पूजा करते ही हैं, लेकिन जब इनके स्पेशल डेज होते हैं तो उसके अंदर सेवा करने का जो मजा आता है, जो आनंद आता है ना, वो अलग ही सुकूनदायक होता है। इसलिए जब जैसे कि कोई भी त्योहार आता है, नवरात्रे हैं, तो नवरात्रों में माता जी की पूजा करना उसका एक अलग ही अनुभव है, अलग ही आनंद है, बहुत मजा आता है। वैसे गणेश चतुर्थी में गणेश जी को घर पे ला के और फिर उनकी अलग से पूजा करना, ऐसे हम पूजा करते हैं तो उनके घर में सबके साथ होती है, और ऐसे उनको खुद को स्पेशल फील होता होगा ना कि हाँ मेरी अलग से पूजा करते हैं। तो ऐसे ही सबको लाने चाहिए, मेरा कहना तो ये है, और करो सेवा जितनी हो सके उतनी।
चलो अब मैं सेवा करती हूँ घर वालों की। हम लोग खाना बना लेते हैं। मोंटी आजा फटाफट, इसको देखो बक्तन को। हाय गर्मी, मन मन लगे मारो ही प्रॉब्लम पूरी दुनिया की गर्मी है कि। चलो इससे हमारा काम भी फटाफट फिनिश हो जाता है। और हाँ, अब आप लोग ये मत बोलना कि है ना, मतलब रोज रोज यही दिखा रहे हो। तो जब तक गणेश जी रहेंगे ना, तब तक तो देखो आपको आरती वगैरह ये सब हम लोग दिखाने ही वाले हैं, और आपको देखना भी पड़ेगा क्योंकि जब लोग में आएगा तो देखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अब खाने की बारी है, तो खाने में क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या बनाते, जो भी होता है, जो भी बनाएंगे आपको दिखाएंगे जरूर। इसलिए अब हम बना रहे हैं चाय। आप लोग सोच रहे होंगे फिर चाय, तो जी मेरी जिंदगी तो चाय से स्टार्ट हुई और चाय पे खत्म होगी, तो मैं तो चाय बनाऊंगी और मैं पीऊंगी। आप लोगों को पीनी है तो पी सकते हो। वैसे जो चाय जिन लोगों को पसंद है ना, वो लोग तो जानते ही होंगे कि चाय का क्या चाय लगती है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है चाय। जब हम बनेंगे चाय, मैं गई थी ना, मम्मी बोल रहे थे, मतलब मैं आ गई तो मम्मी बोलते मोना गई, उसके बाद अब तो मेरा चाय पीने का भी मन नहीं करता। नहीं तो मतलब मैं वहाँ पे, सब लोग पता है मुझे बोलते थे, मतलब मैं रात को 10 बजे, मतलब चाय है ना कभी सोता था, मतलब पापा दुकान पे रहते थे तो पापा के लिए दुकान पे लेके चले जाती थी, तो सब बोलते थे मोनिका आई है ना, तो रात को भी जखनी पड़ती है इसको, रात को भी लड़की चाय बना बना के लेके जाती है अपने पापा के लिए। तो जी मुझे चाय का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं बनाती हूँ तो सबको पिला देती हूँ। आप लोग को पीनी है तो भी आ जाइए, आपको भी पिला दूंगी। तो जी हमारी चाय बन जाए, फिर हम चाय पी लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। तो जी हमारी चाय में पान आ गया है। हेलो एवरीवन, तो शाम के बज रहे हैं 6:30, और दोपहर में हम लोगों ने खाना वाना बनाया किया। उसके बाद में फिर क्या, मम्मी जी आ गए थे, बड़े सासू जी मेरे वो आ गए थे, जेठूजी भाई साहब वगैरह तो वो लोग आ गए थे सब लोग। तो फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया, फिर हम लोग बैठे थे, सब लोग गप्पे उप्पे मार रहे थे, फिर बाद में वो लोग चले गए, फिर हम लोग थोड़ी देर सो गए थे। अब हम लोग उठे, हम लोगों ने चाय वाय पी है, और ये हमारे प्रीशा भाई सा पढ़ाई कर रहे हैं। त्रीका टेबल लर्न कर रही है, इसको ऐसे याद हो जाता है, और जब मैम पूछती है ना तो मैम के सामने फिर भूल जाती है, पता नहीं क्या है। अब मैं इसके ना ये बाल नहीं कटाऊंगी कभी कभी, मैंने इसके आगे की ये बाल कटवा दिए थे, पहले अच्छे लगते थे, अब है ना ये मैं कटवा नहीं रही, मैंने सोचा थोड़े बढ़ जाए तो अच्छा है। तो ये है ना, इसके कितने भले आप कितने भी अच्छे से हेयर कॉम करो चाहे कुछ भी करो, फिर भी ये सामने आते ही रहते हैं, और इतनी गंदी तरह से आते हैं ना, इतने गंदे लगते हैं, क्या बताऊं, बहुत गंदे हो गए इसके बाल। जल्दी से थोड़े बड़े हो जाए तो चोटी में आने लग जाएंगे, अभी चोटी में आ नहीं रहे, निकल जाते हैं वो वापस, और क्लिप्स इनको अच्छी नहीं लगती, अगर क्लिप तो वैसे लटका के रख दो तो। लड्डू को दिखा दिया मैंने पहले से ही, तो छोटे वाले छोटे भी देख रखे हैं, है ना, सब लड्डू देख लिए ना आपने हमारे, देख लिए दोनों देख लिए। सो अब बनाऊंगी मैं खाना। खाने में रोटी तो मोनिका ने बना दी है, और मैं सब्जी बनाऊंगी, पत्ता गोभी की, पत्ता गोभी काट दी है, हरी मिर्ची काट दी है, लहसुन वगैरह सब तैयारी हो गई है, बस मुझे सब्जी फ्राई करनी है बस, फिर खाना खाएंगे एंड सोएंगे। सोने की तो बात ही मत करो, पूरे दिन सोते रहो फिर भी नींद आती रहती, बहुत आलसी हो गई आजकल मैं। अच्छा तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पास ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके एंड हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकॉन को जरूर दबाना। बोल दिया मैंने। बोल दिया? ठीक है, चलो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय। यही आदत मुझे इस आदमी की पसंद नहीं है, ये पता है जब भी किचन में घुसते ना बस इधर उधर कुछ ना कुछ इनको खाने को चाहिए होता है, तो सब्जियां भी नीचे गिरा दी।
ठीक है, तो मेरे को भुला और दिया मैं क्या बोल रही थी। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, खमा गणेशा, ओके बाय बाय।